विभागों की लापरवाही के चलते किस कदर लोग परेशान होते हैं, ये बातें पहले भी कई बार सामने आती रही हैं। यहाँ पर लोक निर्माण विभाग की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिलती है। इसकी गवाही दे रहा है एक अनुसूचित जाति का परिवार। ये कहानी है घनसाली के चमोल गांव की, जहाँ पर एक परिवार के घर के ऊपर सड़क की दीवार काफी समय पहले टूट गई थी, लेकिन वो इस मामले पर कई बार लोक निर्माण विभाग को भी शिकायत कर चुके हैं, अभी तक कोई भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। इस क्षतिग्रस्त दीवार की वजह से ये पीड़ित अनुसूचित जाति का परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। खतरा इनके ऊपर लगातार मंडरा रहा है। वहीं गांव के ही हर्षलाल का कहना है कि कुछ साल पहले इस जगह पर एक टाटा सुमो भी दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी विभाग की आंखें नहीं खुली और अभी भी दीवार को सही नहीं किया गया। और विभाग थे आपन कई बार बोली दीवार का बारे में, अभी जगह पर लगी नहीं दीवार, अपन अपना जो क्षेत्र का जनप्रतिनिधि जन प्रधान चल से भी बताए थे अपन ये बारे में, बताए तो के नहीं, पर कहीं सुनी नहीं, कहीं जानी नहीं कुछ ना। अरे यहाँ पे जो बहुत पहले क्षतिग्रस्त रोड टूट गए थे, यहाँ पे एक बार जो ये घटना हुई कि गाड़ी यहाँ से नीचे गिरी है कमांडर, कम से 15 साल पहले की बात है। और अभी तक जो ये रोड ऐसा होता है, हमने कई बार एप्लीकेशन दे दी, हमने पीडब्ल्यूडी को दिया, जे को बोला, कई को बोला, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। संवाद 365 के लिए घनसाली से हर्ष मणि उनियाल की रिपोर्ट।